दोस्तों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से FY BCom SY BCom का टाइम टेबल आ चुका है। यस दोस्तों FY BCom रेगुलर स्टूडेंट जिनका एनुअल पैटर्न एग्जाम होता है और SY BCom रेगुलर स्टूडेंट जिनका एनुअल पैटर्न एग्जाम होता है। दोस्तों क्या है ये पूरा नोटिस मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का आप लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैंने ओपन किया है FY BCom जो ऊपर आप लोगों को दिख रहा है। अभी तक ध्यान दे देते दोस्तों कि रिपीटर स्टूडेंट के लिए ये एनुअल पैटर्न के जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम है, ठीक है। FY BCom रिपीटर स्टूडेंट, अब देख लेते नीचे क्या दिया हुआ है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर देता हूं, बाकी सब हाईलाइट नहीं करूंगा। इसके रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो बाद में मैं आप लोगों के लिए इशू कर दूंगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन आने वाला है 50 मार्क्स के लिए, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को करना है और आप अपना एग्जाम लैपटॉप स्मार्टफोन टैब जिससे भी देना चाहे उससे आप दे सकते हो, जिससे आप कंफर्टेबल हो। देन तीन इंस्ट्रक्शन को आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि आप लोगों का जो एग्जाम टाइम है मॉर्निंग 9 से लेके 6 बजे के बीच में है। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया जो टाइम है मॉर्निंग 9 से लेके 6 बजे तक का है और आप हर सब्जेक्ट का एग्जाम कोई भी चॉइस कर सकते हो 1 आवर का स्लॉट, ठीक है। आप इस 9 से 6 बजे के बीच में कोई भी एक आवर्स आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बीच आप अपना एग्जाम दे दीजिए। लेकिन थर्ड और इम्पोर्टेंट नोटिस है कि आपका एग्जाम 6 बजे तक चलेगा और अगर आपने एग्जाम 5:30 बजे चालू किया तो आपको 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, मतलब हाफ एन आवर ही मिलेगा। वो गलती आपकी मानी जाएगी, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं मानी जाएगी कि 1 आवर हमें नहीं मिला। देन दोस्तों आती है बात मॉक टेस्ट को लेके कि FY BCom के स्टूडेंट का मॉक टेस्ट कब से चालू होने वाला है। तो FY BCom का दोस्तों मॉक टेस्ट जो है 14 तारीख से लेके 16 मई तक का चलने वाला है, 24 आवर्स है। आप कभी भी एक घंटा जाके अपने मॉक टेस्ट का एग्जाम दे सकते हो। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है आपके टाइम टेबल की, ठीक है। दोस्तों इधर मैं आपको बता दे रहा हूँ ये रिपीटर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो FY BCom के रिपीटर स्टूडेंट है। दोस्तों देखिए 18 मई से आपका एग्जाम है, सुबह 9 से लेके 6 बजे तक का टाइमिंग है। टाइमिंग सभी सब्जेक्ट के लिए सेम है तो मैं बार बार टाइमिंग आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो 18 मई से पेपर चालू है, पहला पेपर है आपका FC फाउंडेशन कोर्स। 19 तारीख को आपका एग्जाम है BC बिजनेस कम्युनिकेशन का। 20 तारीख को आपका एग्जाम है BE बिजनेस इकोनॉमिक पेपर 1। फिर फ्राइडे को 21 मई को आपका एग्जाम है कॉमर्स का। 24 को आपका एग्जाम है एनवायरमेंट स्टडी का। 25 को आपका एग्जाम है मैथमेटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्निक का। देन 27, ठीक है, इधर आपको गैप भी दिया हुआ है, ठीक है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो दोस्तों ये जो था टाइम टेबल ये FY BCom के स्टूडेंट का था। अब बात कर लेते हैं SY BCom के स्टूडेंट की, ठीक है। तो अच्छा SY स्टूडेंट के भी क्या क्या गाइडलाइन मुंबई यूनिवर्सिटी ने दिया है जरा वो भी देख लेते हैं। अच्छा SY के जो स्टूडेंट है ये फ्रेशर प्लस रिपीटर, मतलब जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और जिनको पहले से KT लगी हुई है, ये दोनों के लिए टाइम टेबल है। इनके लिए भी सेम गाइडलाइन है कि 50 MCQs आएगा, 50 मार्क्स के लिए ऑल क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को अटेंड करना है। आप लैपटॉप से एग्जाम दीजिए, जिससे देना चाहते हो उससे दे सकते हो। सेम तीन अपना आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा जो उसमें दिया हुआ था, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप वो FY वालों को जो तीन इंस्ट्रक्शन दिया था वो सेम इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। SY BCom का मॉक टेस्ट चालू होने वाला है 15 तारीख से लेके 17 मई तक का, 24 आवर्स है। आप कभी भी एक घंटा जाके आप अपना एग्जाम दे सकते हो। देन अगर इसके बाद की बात करूं तो टाइम टेबल की, तो सो टाइम टेबल हम देख लेते हैं। सो ये रहा SY BCom के स्टूडेंट का टाइम टेबल, ठीक है। 19 तारीख से आपका एग्जाम चालू हो रहा है, 9 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम है। टाइम स्लॉट सभी के लिए सेम है तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स सबसे पहला आपका भी है। 20 मई के दिन जो एडवर्टाइजिंग लिया है वो एडवर्टाइजिंग का देगा, जो कंपनी सेक्रेटरी का लिया हुआ है वो कंपनी के, मतलब जिनका जो सब्जेक्ट है आप देख लीजिए, आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो 20 तारीख को, ठीक है। देन 21 को बिजनेस लॉ का है, 24 को टाइमिंग सेम है, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमी का है, 25 को कॉमर्स है,
27 को अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट है, फ्राइडे को 28 को आपको कॉमर्स पेपर वन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था FY और SY BCOM के स्टूडेंट का टाइम टेबल। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना ना भूले, क्योंकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी ये टाइम टेबल के बारे में पता हो। और बहुत ही जल्द मैं इसके रिलेटेड एक आर्टिकल भी बना के मेरे वेबसाइट पे दे दूंगा कि अगर आपको टाइम टेबल नहीं मिल रहा है तो आप वहां से टाइम टेबल बहुत इजीली देख सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे इन सभी चीज के लिंक पुट कर दूंगा, मतलब आर्टिकल लिख के, कि आप वहां से जाके देख के आप अपना जो भी एग्जाम का टाइम टेबल है वो वहां से आप क्लियर कर सकते हो, देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ उस चैनल पे आप लोगों का MCQs भी प्रोवाइड होता है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।